अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ यमी वाजिद, 7H न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। JNTU के स्टूडेंट नजीब अहमद की पुरस्कार गुमशुदगी के बाद एहतजाजी धरने मुनज़म किए गए। नजीब की गुमशुदगी पुलिस के लिए एक मुअम्मा बन चुकी है, ये आखिर वाकया है क्या? आइए देखते हैं 7H की ये रिपोर्ट। ये वाकया 15 अक्टूबर सुबह 11 बजे का है, जब JNTU के एक तालिब इल्म जिसका नाम है नजीब अहमद, जिसके गायब होने की शिकायत दर्ज करवाई गई। 27 साल नजीब अहमद की इस पुरअसरार गुमशदगी पर देश भर में हंगामा मचाया गया, एहतजाज हुए, तलबा सड़कों पर उतर आए। पुलिस ने एक केस दर्ज रजिस्टर करते हुए उसकी इतला देने वाले को 50,000 रुपये का इनाम देने का ऐलान किया, लेकिन पुलिस इसका सुराग लगाने में आज तक नाकाम है। वक्फे से दिल्ली में इस गुमशुदगी पर एहतजाज बुलंद किया गया। तलबा के साथ नजीब की वालदा भी शरीक रहीं, पुलिस ने उनके साथ गैर शाइस्ता सलूक करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया। हिंदुस्तान के कानून में इजाज़त है कि यहाँ कोई भी शख्स अपने जायज़ हकूक़ के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकता है, इंसाफ ना मिले तो एहतजाज करना भी उसका पैदाइशी हक है। ताहम नजीब की माँ को अभी तक इंसाफ नहीं मिला। पुलिस के इस रवैये को देख कर चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर पुलिस तलबा को हिरासा करने के बजाय हकीकत में नजीब को ढूंढ तो यही ताकत उसकी गुमशुदगी पर लगाती तो शायद वो मिल जाता। ये जुमले हर किसी ने सुने हैं, लेकिन हुकूमत मुसलमानों के मसाइल को सुनने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वो हिंदुस्तानियों को गैर ज़रूरी मसाइल जैसे 3 तलाक, बीफ पाकिस्तान में उलझा कर उन्हें बेवकूफ़ बनाने में मसरूफ़ है। लेकिन सेक्युलर जहन रखने वाले अफराद यही सवाल कर रहे हैं कि एक दुखी माँ को उसका बेटा कब मिलेगा, जिसका जवाब हुकूमत के पास मौजूद नहीं। लेकिन यहाँ अरविंद केजरीवाल ने खुद कह दिया है कि इस वाक़े के पीछे किन ताकतों का हाथ है, हम यहाँ कुछ नहीं कहेंगे। आइए यहाँ आप खुद ही सुन लीजिए। मैसेज साफ है कि अब इस देश के अंदर एबीवीपी की, आरएसएस की, भाजपा की गुंडागर्दी चलेगी, और जो जो इस गुंडागर्दी के खिलाफ आवाज उठाएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा।